ऑलराइट, तो फाइनली भाई आप सभी का स्वागत है 12th एपिसोड में ऑफ गॉड ऑफ वॉर के। कहानी को थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पिछले मतलब अभी तक हमने भाई अपनी सफ़र पे पूरा करते करते अब हम योतनहाइम की तरफ जा रहे हैं। योतनहाइम जो भी कहना कह लो, ठीक है। तो रास्ते में हम मैग्नी और मोदी से हमारी मुलाकात होती है। बेसिकली वो थॉर के बेटे हैं, तो भाई हम एक का खात्मा कर देते हैं। हम मैग्नी को शायद हम मार देते हैं, ठीक है। आई एम नॉट श्योर मैंने किसको मारता, बट इतना मुझे पता है दो बेटों में से एक की तो हमने काम तमाम कर दिया, ठीक है। तो दूसरा वाला तो डर के भाग जाता है। अब ये चीज़ जब मिमिर जब कहता है कि बहुत गलत हुआ ये, वन ऑफ दी तुमने एक थॉर के बेटे को मार दिया है, तो मुझे पता है कि रैग्नारॉक में थॉर जरूर आएगा, जो इससे अगले आने वाला पार्ट होगा। ये तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी कि आगे क्या कहानी को कैसे ले जाया जाएगा। तो यही है, ठीक है। तो क्रेटोस कहता है वो हमारे पाथ में आया, सिंपल सी बात है, तो मैंने उसको ख़त्म कर दिया। भाई क्रेटोस है वो अलग ही वे में रहता है, वो किसी को नहीं देखता, ठीक है। तो ऐसा है, मैं हूँ संदीप, लिटिल गेमर चैनल पे आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। सफ़र को शुरू करते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से इसके 20 या 18-20 एपिसोड बन जाएंगे यार, जहाँ जिस हिसाब से गेम चल रही है, टू भी होने से ही बताऊँ तुम्हें, ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम का लिंक और इसमें फॉलो कर लेना। डोनेशन करना चाहते हो तो डोनेट कर देना, गूगल पे फोनपे का नंबर डिस्क्रिप्शन में है। शुरू करते हैं 12th एपिसोड गॉड ऑफ वॉर का। हेवी ठीक है दोस्तों, तो हमको वापस जाना है भाई। यहाँ मैंने चेस्ट भी ले ली थी, अब वो चिजल हमको मिल चुकी है, तो उसी से हम काम करेंगे, ठीक है। एक हो गया, दूसरा भी हो गया, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स गो। I just realized Magni didn't come back to life. That is interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. No Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. यहाँ पे कुछ होगा पता है। अबे वो कहाँ है जिससे ये फूटेगा, गिरा ना। एक मिनट रुको, तेरी तमन्ना है मुझे, चेस्ट चाहिए मुझको। चेस्ट बगैर यार काम नहीं बनता है, तुम भी जानते हो भाई। ये नहीं, ठीक है। चेस्ट के लिए पागल हो रखा हूँ, मेरे पास आर्मर भी अच्छा सा नहीं है, लेवल भी कम है हमारा, इसलिए यार थोड़ा मतलब काम हो जाएगा ना अपना तो सही रहेगा। हाँ, मैं देख रहा हूँ यार। ये मारा मैंने पुचुक और ये मारा मैंने पुचुक। यपियो क्रेटोस बाबा, भाई सब कुछ उठा लेता है ये, कुछ नहीं छोड़ता है, छोटी चीजों बड़ी चीजों, ठीक है। नाउ व्हाट, ओ पोर्टल, अरे वाह भाई ऐसा भी है क्या, ठीक है। यह ए फॉर्मलेस क्या कहते हैं उसको, सब्सटेंस फाउंड इनसाइड रियलम ट्रीज़र यूज्ड टू एनहांस यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ टैलिस्मैन। देखें भाई, ओके ये नहीं है, टैलिस्मैन तो इसमें होगा ना कहीं, तो उसके पास जाना पड़ेगा शायद, मेरे ख्याल से शायद। भाई एक मिनट रुको, ये तो चेस्ट के लिए होगा, नहीं ये तो चेस्ट के लिए होगा, रुको अबे लॉक हो गया, ये लॉक हो गया भाई, गजब है। ओके हाँ वो मैं मुझे लगा वो किसी चीज के लिए होगा, अरे यार पजल आ गया। What is this place? Fishermen would bring the day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. There is an opening. I can get it. अब ये कुछ करेगा भाई? There's a path to the exit on the other side. Other side में ना? देखो एक मिनट रुक जाओ. मुझे पता नहीं कहाँ जाना है यार,
वो रहा वहां पे चेन है, एक मिनट रुको, ये रहा ना, अरे एक मिनट रुक जाओ, ठीक है भाई अब तू जा, अभी जा सकता है ना। हाँ ठीक है ओके, इस पे मार, बस की तबीयत खराब हो रही है। हाँ अरे अरे भाई क्या, ठीक है रुको मैंने गलती कर दी, ऐसे नहीं करना, ठीक है अब यहाँ से हमें चढ़ना है। ऊपर तो कुछ नहीं भाई, देखते चलो यार कुछ मिल जाता है, नहीं तो अब हो जाएगा ना काम, उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ से हम वापस जा सकते हैं अगर हमको जाना है तो, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी तो आ नहीं जाना, अभी आ जाना, चलो क्रेटोस बाबा एकदम अतरंगी है भाई। चलो बस हमें भाई ओपनहाइम का गेट खोलना है, अब एक चीज और चीज बस, हो गए पहुंच, काम हो जाएगा हमारा। अब कहाँ करना है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, चलो let's go let's go let's go climbed around a dead giant rode a giant falling hammer fought some bad gods what do you think mother would say bet you have come a long way thanks ye rana gate bhai kahan hai there's something over there maa mujhe pata hai wahan pe bhi kuch hai sorry ye wala gate nahi khol raha bhai ये गेट थोड़ा मुश्किल है। अरे यार अब हुआ, तीन मारने क्या, ये तो मुश्किल था, हो गया भाई हो गया, ये भी तो खोलना जरूरी है ना। कुछ हो यहाँ पे, चेस्ट वगैरह हो, Look here. Another. Ah, you know this one, don't you? It's Tom. Boy. Okay. भाई यहाँ तो नहीं जाना हमको, तो ये कौन सी जगह है, ये हिडन एरिया डिस्कवर्ड, चेंबर ऑफ ओडिन, देखें क्या है। That would explain the hefty magical lock on the outside. But it's more than that. I have this feeling like something is waiting for us down here. You've a knack for ominous statements, lad. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far. Yes? Yes, father. भाई मैं गलत जगह आ गया, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैं पिटने वाला हूँ। हाँ ये एक हिडन सीक्रेट था। अरे यार ये वॉकरी है क्या ये, हाँ सामने देखो, हाँ ये इस मैंने बहुत बंदों को देखा था इसे गेम प्ले बनाते हुए। भाई गलत जगह आ गया मैं, पर एक बात अच्छी है कि मुझे यहाँ पे चेस्ट वगैरह बहुत सही मिल रहे हैं। अब मैं पता नहीं उसको मार पाऊँगा कि नहीं, चलो देखते हैं भाई देखते हैं। वॉकरी है वो, हाँ चलो भाई हेल्थफुल है ना। वैल्करी इम्प्रेसेंट, शी एक्चुअली डिड इट। अ वैल्करी? बट आई थॉट दे वर जस्ट स्पिरिट्स। टेक कॉशन लैड्स, अ वैल्करी इन द फ्लैश, आई कांट थिंक ऑफ अ मोर फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। शी डज नॉट अटैक। डज शी इवन नो वी आर हियर? ड्यूड,
अब काम खराब हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको डाउट करने की। बढ़िया। ओ ड्यूड क्या बात है भाई, उसका डैमेज देखो तुम यार। बाप रे। ठीक है मेरी बारी। भाई इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, इस पे वो भी काम नहीं करता स्पार्टन रेज भी। हाँ सच में, ये देखो बच गया भाई। आ जा। बाप रे बाप, बाप रे बाप, बड़ा स्टेज मैन भाई। ड्यूड कर दिखाया मैंने। You freed me from my corrupted form. You have my eternal gratitude. But my sisters remain trapped as I was. Take my helm. Find them. Free them. The fate of the Valkyries rests on your shoulders. भाई रेलम उठाना है इसका एक। भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसको मारने के लिए आपको फुल पोटेंशियल चाहिए, पूरी की पूरी वो चाहिए, एक फोकस पॉइंट चाहिए। जैसी वो मतलब आती है ना मारने। Sounds pretty important. That's putting it mildly. मिल गया भाई। What do you know of them? A fair question, and yet not one easily answered. I know more than most, but much of their history is veiled in secrecy. My own experience with the Valkyries ends with my imprisonment. You are avoiding the question, Head. As I said, brother, it's complicated. I don't know why or how they become such wretched creatures, but perhaps if we can free more of them. You want us to find more of those things? The fate of the Valkyries, lad. A more worthy endeavor there is not. It will be dangerous. Well, that hasn't stopped you before, eh? That's the spirit. ठीक है तो भाई मैंने बड़ी मतलब बहुत मेहनत करी मैंने उसको मारने में। मैं एक मतलब 40 मिनट हो गया मुझे करते करते, आपको तो मैं कट करके दिखा दूंगा। ठीक है तो वाकरी को मारने के लिए आपको डॉजिंग, ठीक है, और उसका जो एक अटैक होता है वो डॉज नहीं होता है रेड कलर का, उससे बचना पड़ता है। ठीक है तो ये है, रुको मैंने ऊपर वाला चेस्ट ले लिया था, फिर भी देख लेता हूँ एक बार मिला कि नहीं यार, क्योंकि मैंने गेम कंटिन्यू करी थी 2-3 बार। ठीक है चलो ओके भाई, बट ये स्टेज बहुत खतरनाक है मैं सच बता रहा हूँ। अच्छी बात ये है कि इसको मारने के बाद मुझे पॉइंट भी अच्छे अच्छे मिले। अब हमको तो बाहर ही जाना है, हमको यहाँ नहीं जाना था सच में भाई। वन ऑफ दी मैं कह रहा हूँ बहुत टफ बॉस स्टेज थी पूरी पूरी, ये जो फाइनल बॉस आता है ना वो था ये। हमको यहाँ नहीं जाना था, वो जाना कहीं और था, हम लोग आ कहीं और गए। और हाँ उसने एक चीज़ और बताई वाकरी ने कि मेरी एक बहन भी है जिसे तुम्हें बचाना है, तो उसने एक रेलम दिया है उसका यूज़ करके हम उसके चैप मतलब जहाँ जहाँ पे वैसे वैसी वॉक रही हैं उनको आज़ाद करा के रिवॉर्ड ले सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ये अच्छा मैंने आपको एक स्टेज दिखा दी, उससे फ़ायदा रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ वॉकरी वाला सीन भी है इसमें। ठीक है चलो भाई हम बाहर निकलते हैं, हमको यहाँ काम नहीं करना, हम तो ऐसे ही आ गए भाई फालतू में। पर मज़ा आया भाई, मज़ा आया उसको, फुल कॉन्सेंट्रेट से मारा है मैंने उसको। हमको जाना कहाँ है, बोट पे जाना है ना हमको। What now then? Maybe Freya ought to have a look at the boy. No, I feel better now. I just needed to catch my breath. Where do we go next? Well,
Now that we've got the giant's chisel, we need to learn the travel rune to Jotunheim, so we can carve it into that special gateway atop the peak and open realm travel to the land of the giants. You don't know it? Alas, no. But the serpent did mention that the giants had entrusted that secret to Tyr. Isn't Tyr dead? Aye, but his hidden vault is very much in reach. The doors are beneath his temple, submerged in the lake for generations until our snake friend shifted his weight. There we shall find the fabled Black Rune of Jotunheim. We could also explore some more. We got that chisel now, and that vault isn't going anywhere. Seems a shame to waste the boat. We shall see, boy. देखते हैं भाई और हम क्या कर सकते हैं। वैसे रिवॉर्ड अच्छा मिला भाई वॉकरी को मारने पे। You're in the middle of a story before. What were you saying about the long war? Enough was enough. And at last, Odin's most brilliant advisor became determined to find a more enlightened path. He set about to broker a peace between the gods. It took some convincing, but ultimately Odin was persuaded to marry his deadliest enemy, Achha. A certain Vanir goddess. Legendary not only for her fertile beauty, but her genius at the very Vanir magic that Odin had long aspired to master. Freya married Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people. A selfless act of love. Truly, she deserves better than she got. But of course, there's more to that story. Odin ki shaadi bhi hui thi, bhai. Badhiya. अब हमको जोतनहेम की तरफ निकलना है। पहुंच गए भाई हम लेक ऑफ नाइन में। गो टू टीयर्स वॉल्ट, लेट्स गो। अब टीयर्स का वॉल्ट कहाँ है भाई? पता नहीं। Did you see something out there? That tower? I see no tower. Maybe I'm seeing things. इसको दिख रहा है हाँ। भाई इस बच्चे के अंदर कुछ तो खास बात है। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। इसी तरफ जाना, मैं जाऊंगा उसी तरफ, चिंता वाली बात नहीं है, जाऊंगा तो वही भाई। ड्यूड, ये सफर बहुत खतरनाक है भाई सच में। चलो यही लगानी ना बोट। That magical lock. चलो हो, ओ हो गया। बड़ी मुश्किल से खुलता है भाई ये गेट। Tears Bridge, interior. Another one of these. ये तो Tyr, but the middle panel is missing. Wait, I thought Tyr was a god. Not a giant. Ah, but he was loved by everyone, including the giants. Other than me, he was the only one they gifted with their special sight. Hey, I wonder if the giants left a triptych about me somewhere too. ये तो बाहर का रास्ता आ गया। एक मिनट, फिर करना क्या है? एक मिनट होगा। कोई बटन तो आ नहीं रहा भाई। करना क्या यहाँ पे? Go ahead. Actually, come look. Let me show you how to read. अब आया बटन वो। That is not necessary. You've taught me so much. Let me teach you something. Andreas. Come on. You already speak it. Learning to read won't be that hard. I know how to read, boy. Just not this tongue. You're halfway there already then. Okay. So the runes represent a lot of different things. Some gods. Some animals. Wait. Oh, am I going too fast? Sorry. Not that. Do you smell something? क्या चीज़ है भाई? Yeah, I do. Smells like rain. Oh, bhai. अरे ये आ गया. ये आ गया. You ruined everything. I earned that fucking hammer.
now. Everyone's gonna think I only got it because Magni's gone. It'll be a joke. But if I kill you, no one's gonna laugh at me. ये देख, अब ये पागल हो जाएगा। ओ भाई। Oh, are you dumb? That your father's doing? Or did you get it from your mum? She's stupid and ugly. वो चाकू मारने जाएगा ये। पड़ी बात। कहाँ पंगा ले रहा है इसे पता नहीं है। Oh, it's true. But I'm gonna get to know you really well. You're gonna be my new brother. Right after I finish killing your father. Oh, भाई उसकी पावर। ओए क्या हो गया उसको? I think I broke him. ये क्या था? That's Spartan Rage. No. भाई अब तो गया ये, अब गया ये, अब ऐसे पिटेगा ना ये। Stay back. अब गया ये, अब गया है भाई, बहुत गंदा पिटने वाला है ये। चलो ठीक है, चल तेरी। ओ तो भूसा मारा उसने। दोबारा नहीं आएगा अभी ये। एक घुसे में टेढ़ा हो गया भाई, उसकी हालत खराब हो गई। Atreus. You have to get into Freya quickly. There's no other way. बिल्कुल भाई, गया है वो। उसकी इटर्नल पावर खुल गई थी शायद, ऐसा था समथिंग, या किसी जादू का असर था समथिंग ऐसा। The sickness. Ask Freya for help. ठीक है, हमें फ्रिया के पास जाना पड़ेगा। शी इज़ द वन वो कैन हेल्प हिम, बट लेट सी। क्योंकि पर उस पर भरोसा नहीं किया था क्रेटोस ने, बिकॉज वो एक गॉड है। उसने बताया नहीं थी ये चीज़ क्रेटोस को, क्रेटोस को गॉड पर वैसे ही भरोसा नहीं है। अब मिमिरी ये जो हेल्प कर सकता है, ये सब गॉड और रैग्नारॉक में खुलेंगे, सारी स्टेज है जितनी भी है ना, ये सब रैग्नारॉक में खुलेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये स्टेजेस खुली नहीं है, मैं तब से नोटिस कर रहा हूँ गेम में ये स्टेज खुली नहीं है। चलो भाई लेट्स गो। ओके भाई, उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर और वो रुकता, मोडी का मोडी हो जाता। सही है भाई, क्रेटोस बाबा, भाई क्रेटोस बाबा से पंगे मत लो। चलो हम पहुँच तो गए यार विच केव के अंदर। पता नहीं उसका eye is on you, brother, especially now that you've taken to killing his kin. Freya's forest is a blind spot for him. This is our smartest move, and if anyone can heal him, it's her. What is happening to him? I've seen it in mortals that some conflict of the mind expresses itself as an ailment of the body, never in a god, but a god believing himself mortal. I can only imagine. We're almost there. तो मिमिर ये कह रहा है कि ओडिन अब तुमको मतलब मारना चाहता है, देख रहा है। तो मिमिर कहता है कि मतलब अब फ्रेया ही है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है, और कोई है नहीं, क्योंकि ओडिन की नज़र फ्रेया पे नहीं है बेसिकली। तो ऐसा है क्योंकि फ्रेया इन सबसे अलग है। देखते हैं भाई, भाई अब करेगा क्या वो। चलो चलो जल्दी चलते हैं, ये सीन बहुत तगड़ा है भाई, ये सीन बहुत प्यारा है। देखते हैं, सही बात है, उस अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए भाई वो जा रहे हैं। Somebody just called the serpent. किसने सरपेंट को आवाज दी? हाँ कौन था भाई? सरपंच को बुलाने के लिए भोपू बजाना पड़ता है, वो याद है तुमको? हाँ मेरा ये सीन मन कर रहा है बस मैं देखूँ, कुछ बोलूँ नहीं, महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट क्या करें भाई, कमेंट्री भी करनी है उसको। फोरी ना इसके अंदर है वो, मेरे बच्चे को ठीक कर।
He is shaking. It's serious. We must hurry. मैं कोशिश कर रहा हूँ. बहुत तेज हो गया फीवर उसका. चलो भाई देखते हैं. Open the door! गेट खोल भैंस की टांग. What do you hear me? It is urgent. I'm still a guard. Go away. The boy has fallen ill. अब खोलेगी वो. He's ill. Inside. This is no ordinary illness. The boy's true nature, your true nature, fights within him. Anger, गुस्सा. उसने पूरा बाहर आ गया उसका वो चीज थी. I did this to him. Will you help me? Of course. There is a rare ingredient found only in Helheim. The keeper that protects the bridge of the damned. I need its heart. दिल निकालना है भाई. The dead. Do you know it? Not this one. It is a land of unyielding gold. Fires cannot burn there, and no magic in all the nine realms can create a blaze. As for the dead, your frost axe will be useless. You'll need to find something else. उस फ्रेया ने बोला कि वो इतनी जगह ठंडी है वो कि वहाँ पे तुम्हारा एक्स काम ही नहीं करेगा. हाँ. Dig up a past I swore would stay buried. Who you were before doesn't matter. This boy is not your past. He is your son. And he needs his father. This room opens the bridge to Helheim. When you are there, do not under any circumstances cross the bridge of the damned. There is no road back. Understand? Boy. Himmele. You must hurry. Through my garden there is a path leading to my boat. Take it. Return home. Dig up your past. Do whatever you need to do. Just bring me back the bridge keeper's heart. And your son. भाई ब्रिज कीपर का हार्ट चाहिए. एक बंदा है जो उस डेड जगह को की मतलब एक रखवाला है वहाँ का, उसको मार के उसका दिल निकालना है. हाँ, ब्रिज कीपर हार्ट. When last we spoke, I was... No. You were right to distrust the word of a god. No need to explain. Not to me, not for that. I will keep him safe. That's a mother's promise. क्योंकि बेसिकली क्रेटोस को लास्ट टाइम वो बोल के जाता है कि गॉड्स भरोसे लायक नहीं होते, और फ्रेया भी गॉड है. बट अभी क्रेटोस एक तरीके से सॉरी बोलता है उससे, लेकिन फ्रेया कहती है कि सही बात है, तुमने जो बात कही थी कि गॉड्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए वो सही थी एक तरीके से. सो बेसिकली अब वो एक तरीके से थैंक यू कहना चाहता था. ऑल प्लेसेस. यू ऑल राइट ब्रदर? आई विल डू व्हाट आई मस्ट. लीव मी बी. कस्टमर केयर वालों का मैसेज आ रहा है. क्या हो रहा है भाई ये? ड्यूड, क्रेटोस के साथ तो कुछ नहीं होगा, मेरे को डाउट हो रहा है. मैं बता नहीं सकता सच में. वो बेचारा सोच रहा है कि मैंने अब क्या करूं, घर पे जाना है, घर पे वेपन है. लेट्स सी, देखते हैं भाई. गेट कीपर पे जाना, उसका हार्ट निकालना है, उसको मारना है. वहाँ पे सी कुल्हाड़ी काम नहीं करेगी, तो ब्लेड जो थी उसकी वो काम आएगी. यस, ब्लेड ऑफ केओस. भाई साहब खतरनाक है. हा, एथीना ये मेरे को पता है. यस, इसने भी बहुत मैनिपुलेट किया था क्रेटोस को. भाई रोंगटे खड़े हो रहे मेरे. एथीना, क्रेटोस बाबा, गेट आउट ऑफ माय हेड. निकल मेरे दिमाग से, तू चल भाग यहां से. भाई ये सीन मैं कह रहा हूँ एक नंबर है.
सब यादें पुरानी ताज़ा कर दी उसने क्रेटोस की। भाई अब उसकी उसका किस्मत ही ऐसी लिखा है कि उसे करना ही यही है। रैग्नारोक में पता नहीं शायद क्रेटोस मरेगा, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मेरे ख्याल से क्रेटोस मरेगा रैग्नारोक में, कुछ तो होगा बिकॉज थॉर आएगा, वो थॉर को मार ही देगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। हाँ वो ऊपर एक खड़ा झिंगूर देखो, बोट अपने आप चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कंट्रोलर पे कुछ छोड़ रखा है मैंने। दिस सीन इज ऑसम यार सच में, क्या बताऊँ, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। किस किस को नहीं मारा उसने, वो नरक का कौन था वो यार, याद नहीं आ रहा उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसको मारा, हरक्यूलिस को मारा, सबको धो रखा है इसमें। अब हमें एक ऐसी डेड जगह पे जाना है जहाँ पे एक्स काम नहीं करेगी, बट लेट्स सी। ब्लेड ऑफ केओस भाई, लेकिन ब्लेड ऑफ केओस मैंने थोड़े बहुत देखे थे एपिसोड यूट्यूब पे कि उसका वो कैसा है मारने का स्टाइल, मैं उस टाइम अलग थी, अब ये चीज़ अलग है, खेलने में और देखने में बहुत फ़र्क है भाई। हम घर आ गए अपने, घर आ चलो निकलो, ये चार चार बंदे आ गए। अच्छा इनको असर नहीं होगा, बच गया। धरा बस एक बचा है, तीन तीन कहाँ से आ गए भाई। वहाँ पेड़ों पे जाके चले गए, चलो निकलो। अभी आते जा रहे हैं। चलो गया, बच गया। चल तेरी भैंडी। हो गया। चलो भाई अब अपनी ब्लेड ऑफ केओस निकालने का टाइम आ गया भाई। रुको पहले माल पानी इकट्ठा कर लूँ यार, क्योंकि जब मैं ब्लेड ऑफ केओस चलाऊंगा ना, मैं सब लूंगा नहीं, मैं मारूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। डन, ये रहा लास्ट बचा है बस। ओके हमारा बच्चा बीमार है, हमको उसे बचाना है, लेट्स गो।